राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपली सबसे पहले ऐसी वीडियो एडिटिंग के लिए आपने देखा ही होगा, बहुत ही ट्रेंडिंग में चलती है ऐसी वीडियो, जो कि प्रीव्यू में आपने देखी होगी अभी। तो इसे एडिट करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको टबडो VPN को कनेक्ट कर लेना है। कोई सा भी VPN होगा आपके, उसमें उसको आपने जल्दी जल्दी से सिंपली कनेक्ट कर लेना है। हमारा VPN सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, कैपकट एप्लीकेशन को सिंपली जल्दी जल्दी से ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद अब आपके सामने न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा आपको, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है जल्दी जल्दी से। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको क्लिप दे दूँगा मैं, जो भी क्लिप मैं इसमें ऐड करूँगा, म्यूज़िक वगैरह, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी से सबसे पहले मैं ये क्लिप ले लेता हूँ आइस वाला। उसके बाद हम लेंगे ये लिरिक्स जो कि मैंने बनाए हैं, उसके बाद ये वाला क्लिप लेंगे, उसके बाद ये वाला लेंगे, उसके बाद लेंगे हम ये वाला क्लिप। तो ऐसे ही आपको 4-5 क्लिप ऐड कर लेने हैं सिंपली। ये मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो मैंने क्लिप ऐड किया है। एंड में आना है आपको, एंडिंग पार्ट दिख रहा होगा आपको, कैपकट का लोगो, इसे आपको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको ये आइस वाला लगाना है, सेकेंड में ये लिरिक्स लगाने हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर थर्ड में आपको ये वाला लगाना है, फिर लगाना है ये दो, इसका लिंक भी मिल जाएगा, और फिर लगाना है ये एंड में। तो सबसे इसको लगाने के बाद आपको बीच में एक माइनस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है, ये लोडिंग लेगा। आपको ब्लैड फेड का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको अप्लाई टू ऑल पर सिंपली कर देना है। इसको अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करने के बाद ये सारे क्लिप में अप्लाई हो जाएगा अपने आप ही। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला क्लिप दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर आपको एनिमेशन देने हैं, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली एनिमेशन पर क्लिक कर देना है। एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद कॉम्बो पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली स्लाइड स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपको एक ये वाला इफेक्ट दिखेगा सवे इन का, इसको आपको लगा देना है इसमें सिंपली। इसको वॉइस को हम कम कर देते हैं, इसको सिंपली इसमें आपको लगा देना है। इसमें लगाने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। ऐसे आपको इसमें सिंपली लगाने के बाद इसकी वॉल्यूम को ऑफ कर देना है, जितने भी ये हैं इसकी सारे वॉल्यूम को आपको ऑफ कर देना है। जितने भी क्लिप है इसकी वॉल्यूम को जल्दी जल्दी से आपको ऑफ कर देना है। यहाँ से इसकी वॉल्यूम को जल्दी जल्दी से हम ऑफ कर देते हैं। स्लाइड स्क्रॉल करना है, वॉल्यूम का आपको ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको जल्दी जल्दी से ऑफ कर देना है। सारे उसकी वॉल्यूम गाइस हमने कम कर दी है। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट दिख जाएंगे। आपको एक फ्लैश का इफेक्ट दिखेगा, यहाँ से फ्लैश वाले इफेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जनरेट होगा, डिटेक्टिंग म्यूज़िक हो रहा है, इस जनरेट होने देना है इसको आपने, पूरा 100% इसको आप जनरेट होने देना है। आप देख सकते हैं गाइस, ये जनरेट हो चुका है, कितना बढ़िया तरीके से फ्लैश आ रही है हमारे वीडियो में, बढ़िया तरीके से फ्लैश वाला इफेक्ट आ रहा है हमारे वीडियो में। इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, स्पीड भी बढ़ा सकते हैं इसकी फ्लैश की, यहाँ से अपने हिसाब से आप इसे कर सकते हैं एडजस्ट, और यहाँ से डन कर देना है। आप देख सकते हैं हमारी फ्लैश एडजस्ट हो चुकी है। अब आपको एंड वाले क्लिप में आना है, इसमें क्लिक कर देना है आपको। इसमें क्लिक करने के बाद आपको स्टाइल पर आना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फेड ब्लर या फेड ब्लर का वो दिख रहा होगा आपको,
इफेक्ट, यहाँ से आपको इसे सिलेक्ट कर देना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली थोड़ा वेट कर लेना है जब तक ये लोडिंग लेता है। गाइस हमारा इफेक्ट सिंपली लग चुका है। अब आपको क्या करना है, स्लाइड स्क्रॉल करना है। अब आपको एडजस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ब्राइटनेस को आपको थोड़ा सा 4% रख लेना है, 4 या 5% रख लेना है। कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, सैचुरेशन को भी थोड़ा आपको इंक्रीज कर देना है, शार्पन को भी थोड़ा आपको इंक्रीज कर देना है, HCL पर आना है, रेड कलर को इंक्रीज कर देना है, ऑरेंज कलर को थोड़ा कम कर देना है, तो इल्यूमिनेंस को इंक्रीज कर देना है। सैचुरेशन को कम करने के बाद येलो कलर के सैचुरेशन को इंक्रीज करना है, फिर इसके सैचुरेशन कलर को भी सारे सैचुरेशन को आपको इंक्रीज कर देना है। यहाँ से थोड़ा बहुत आपको ऐसे इंक्रीज कर देना है। इसको यहाँ से डन करने के बाद इसको आपको पूरे फ़ोटो में लगा देना है। अब आप देख सकते हैं हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।